अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं सेकेंड ईयर उर्दू की भी बात करेंगे और साथ साथ पीएचडी की भी बात करेंगे। सेकेंड ईयर उर्दू की वो तो आप लोग के लिए आसानी है, बुक चेंज नहीं हुई है, कोई सी भी बुक चेंज नहीं हुई। फर्स्ट ईयर वालों की, फर्स्ट ईयर की उर्दू की बुक चेंज हुई है। अच्छा, सेकेंड ईयर उर्दू का बड़ा आसान सा पैटर्न है। सबसे पहले हम लॉन्ग की बात करते हैं। पहले अलग अलग सवाल आते थे नसर निगार के, जो कि पन्ना नंबर का होता था। सेम ऐसी कलाम पर तबसरा, मतलब कि वही शायरी पर तबसरा, सही है, पन्ना पन्ना नंबर के होते थे। अब इन्होंने एक नई चीज़ की है, जो पेपर पैटर्न, पेपर सेटिंग स्कीम आई है, उसके अंदर दो आपको नसर निगार दे रहे हैं, दो कलाम पर तबसरा, मतलब कि टोटल दे रहे हैं चार। आपको चार में से कोई एक चीज़ करनी है। तो अगर आप कलाम में अच्छे हो, मतलब शायरी पर तबसरा याद कर लो, लेकिन ये दोनों याद नहीं करना है, कोई एक चीज़ करो। अगर शायरी पर तबसरा कर रहे हो ना, तो आप मीर तकी मीर कर लो, मीर दल, ये तो हर साल ही आते हैं। बैकअप के लिए मैं बोलूँगा गालिब कर लो, बस ख़त्म। शायरी पर तबसरा ही कर लो, नसर निगार भले छोड़ दो, क्योंकि कोई एक चीज़ करनी है आपको। पेपर में दो नसर निगार दिए होंगे और दो शायरी पर तबसरे, मतलब शायरों के नाम किसी एक पे लिखना है आपको, तो शायरी पर तबसरा वाला कर लो पोर्शन, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि ड्रामे की तारीख अफसाने की तारीख नहीं है। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, अब देखें मॉडल पेपर आता है तो क्या पैटर्न होता है। वैसे तो पेपर उसमें तो नहीं है, ठीक है, ये अब नहीं आएगा। बाकी खुलासे के लिए आप क्या करें, अब खुलासे जो हैं हमारे पास ड्रामे के हैं और हैं अफसाने के, ठीक है। लोग ये भी अलग अलग याद करेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं है। जैसे आप एक चीज़ कर रहे हो ना, एक ही चीज़ करो ढंग की। अगर आपको अफसाने के करने ना, मैं बोलूँगा आप कर लो मुजस्मा पे कानून, वो मुजस्मा नया कानून, इन पे खुलासे याद कर लो, और चोर, बस ये तीन कर लो, इनफ है। वैसे तो पेपर में ये सीन होगा, चार होंगे एक करना होगा। इसमें भी ये सीन है, दो ड्रामे के दे देगा, दो अफसाने के, या हो सकता है तीन दे दे, कोई एक करना हो, तो अलग अलग याद नहीं करें आप, खाली अफसाने के ही कर लें, वहाँ से एक खुलासा निकल जाएगा आपका, ठीक है। बाकी इकतबास और शेर की तशरीह के लिए आप 10 ईयर्स देख लें, इनफ है। एमसीक्यू की अच्छे से तैयारी करें, तो ये वो तो हो गया उर्दू का पैटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं पीएचडी की। अच्छा, ये पीएससी के सीन है, जो कभी कभी ऐसा होता है कुछ शॉर्ट होते हैं वो लॉन्ग में आ जाते हैं, तो आप ना सारे सवाल लॉन्ग के लिहाज से याद करें। जैसे कभी अभी एक सवाल आता है कि उर्दू का किरदार बयान कीजिए, तो उर्दू वो कभी शॉर्ट में भी आया है, कभी लॉन्ग में भी आया है, तो उसको लॉन्ग के लिहाज से याद करो। अगर वो शॉर्ट में आ जाए, कुछ हेडिंग्स कम कर दो, तो पीएससी में लॉन्ग शॉर्ट का वैसे तो पोर्शन आता है, लेकिन आप लॉन्ग के लिहाज से याद करो। तो उसके लिए 5 ईयर्स के क्वेश्चन इनफ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पीएससी की तैयारी 5 ईयर्स से ही करते हैं लोग ज़्यादा, या 10 ईयर देख लो अगर ज़्यादा शौक हो रहा है, लेकिन ज़्यादा सवाल आपको रिपीट होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। और वही 40% एमसीक्यूज हैं, तो इसके जितने भी हैं लॉन्ग लॉन्ग के लिहाज से याद करना तो फ़ायदा होगा पेपर में, लेकिन शायद मेरे ख्याल से 6 या 5 सवाल करने हैं शॉर्ट, तो पहले शॉर्ट अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो इसमें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी सेकेंड ईयर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं और नॉवेल्स हैं। अगर आपको इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, तो आप मेरे पेज पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। वैसे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट कोई मांगता नहीं है। हाँ, इंग्लिश में अगर ज़रूरत होती है तो ऐसे वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कौन से हैं, तो उसके लिए आपका एक PSL इंपॉर्टेंट है अभी जो हुआ है, या ऐसा कोई सवाल आ जाए कि अनफॉरगेटेबल विक्ट्री ऑफ लाहौर कलंदर, क्योंकि लाहौर कलंदर जीती थी फर्स्ट टाइम, ऐसा भी आ सकता है। या दूसरा ये सकता है कोविड पे ऐसे आ जाए, ठीक है। और या तो स्ट्रीट क्राइम या हीट स्ट्रोक पे आ सकते हैं, क्योंकि करंट आते हैं उनके ना। सही है, होप सो आपके ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।